अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आयशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लॉन के ड्रेसेस के डिजाइंस। तो ये फर्स्ट ड्रेस से हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो है नेक लाइन से हम शुरू करते हैं। इसके नेक लाइन पे मैंने क्या किया है कि ट्राउजर का कपड़ा लेके उसको पिनटेक्स डाली है और राउंड शेप में लगा लिया और राउंड ही इसका नेक बनाया है। ठीक है, ये देखें, इसकी जो साइड से है वो इस तरफ को है, इसका रुख जो है वो इस साइड को है। दरमियान में मैंने जो है फैंसी बटन आजकल चले हुए हैं वो मैंने लगाए हैं। ठीक है, और इसके स्लीव्स देखते हैं हम। स्लीव्स पे क्या किया मैंने, स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी वाली ये पैच थी, ये मैंने कैसे यूज की है बजाय इसके ऊपर रख के लगाने की, मैंने स्लीव्स और जो उसका बॉर्डर था उसके दरमियान में इस्तेमाल किया। इसके बाद यहाँ पे जो है स्लीव्स के वो मैंने पाइपिंग लगा ली है इस तरह से। ठीक है, सलवार के साथ मैचिंग कलर की। ठीक है, और इसके दामन पे बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन है। दामन पे भी एम्ब्रॉयडरी वाली पहले पैच लगाई है, उसके बाद जो है बॉर्डर है इसके साथ मिला था जो साइड पे लगे होते हैं। आजकल काफी कपड़ों पे जो है वो दो दो तरह के बॉर्डर होते हैं, ये लगा लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो स्लिट्स हैं ये मैंने कपड़े के बनाए हैं। ठीक है, ये आप देखें बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, ये हमारी शर्ट हो गई। अब हम आते हैं ट्राउजर पे। ट्राउजर पे इसी तरह जो दूसरा बॉर्डर था इसके साथ मिला, वो मैंने क्या किया है उसकी पट्टियां बना के एक बॉर्डर की पट्टी है, उसके बाद एक जो है इसके अंदर प्लेट या पिनटेक्स जिसे हम कहते हैं वो लगा दी। ठीक है, बना के, और उसके बाद जो है वो एक और पट्टी बॉर्डर की, उसके बाद एक और पिनटेक्स। जब हम इसको पहनेंगे तो ये इस तरह से कुछ साइड व्यू जो है इसका इस तरह से आएगा। ठीक है, दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह डिजाइन बना दिए। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ड्रेस की तरफ। ये शर्ट जो है ये मैंने ली थी खाड़ी से। चलें, अब ये हमारा सेकंड ड्रेस आ गया है। इसके नेक लाइन की तरफ आते हैं हम। ठीक है, राउंड नेक है ऊपर से। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो कट है इस तरह से इसी कपड़े के ऊपर शर्ट के नीचे चेपी लगा के दोनों साइड पे, ठीक है, ये कट बनाए हैं। उसके बाद इसको फोल्ड करने के बाद इसके नीचे एक बॉर्डर था शर्ट के साथ का, उसको मैंने अंदर लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, सुई के साथ छोटे छोटे से जो टांके लगा दिए ताकि ये जो है वो उभरे ना बाहर की तरफ, और यहाँ पे तीन तीन छोटे से मोती ताकि ये जो डोरी है ये फिक्स रहे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स में क्या है कि इसके जो बॉर्डर था और स्लीव्स का जो बैक वाला प्रिंट है उसके दरमियान मैंने ये वाली लेस इस तरह से अटैच कर ली है। ठीक है, ताकि ये स्लीव जो है ये थोड़े प्रोमिनेंट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है वो इसके इलास्टिक लगाए हुए। ठीक है, ये जो है इलास्टिक वाला डिजाइन ये खूबसूरत भी बहुत लगता है, और गर्मियों में इसका फायदा ये है कि आपने वजू करना है या स्लीव जो है वो फोल्ड करने हैं तो ये जहां पे भी आप रखते हैं इलास्टिक की वजह से वहीं पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, अब हम इसका ट्राउजर देखते हैं। ट्राउजर पे क्या किया है मैंने, ट्राउजर पे ये फ्रिल बना के लगाई है इस तरह से। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो बॉक्स प्लेट इसे कहते हैं, ये वाली प्लेट इसके अंदर डाली है इस फ्रिल के अंदर, और दरमियान में दो सिलाइयां लगाई हुई है। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू हम देखते हैं। ये फ्रॉक स्टाइल जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, और दामन पे अभी मैंने इसे कुछ भी नहीं किया, लॉकडाउन की वजह से मैं लेस नहीं ले सकी, तो अभी तक जो है वो इसका दामन खाली है, वो मैंने इस पे लेस लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।